श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देवों के देव हैं महादेव। भगवान भोले की भक्ति करने वाले साधक को जीवन में किसी प्रकार का रोग, शोक, भय आदि नहीं रहता है। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न वाले देवता हैं। शिव की साधना आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी पूजा आराधना के लिए सोमवार का दिन अति उत्तम माना गया है। शिव के भक्त उन्हें भोले, शंकर, गंगाधर, नीलकंठ आदि के नाम से पूछते हैं। शिव की उपासना साधना बहुत ही सरल है। आप शिव जी की पूजा मात्र एक लोटे जल से अर्घ देते हुए कर सकते हैं। शिव जी की पूजा के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान की जरूरत नहीं पड़ती है। आप शिव जी का कोई भी मंत्र ले लें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हुए सिर्फ एक बेलपत्र या शमी पत्र हम चढ़ाते हैं। सच्चे हृदय से एक भी बेलपत्र आप चढ़ाते हैं तो उनकी कृपा बरसने लगती है। भगवान शिव जी की पूजा से मिलने वाले लाभ के बारे में जानते हैं। भगवान शिव ग्रस्त जीवन के आदर्श हैं, जो अनासक्त रहते हुए भी पूर्ण ग्रस्त स्वरूप हैं। भगवान शिव की आराधना करने से ग्रस्त जीवन में अनुकूलता प्राप्त होती है और ग्रस्त जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। भगवान शिव कुबेर के भी अधिपति हैं। ऐसे में शिव जी की साधना करने से लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। शिव के साधक को जीवन में कभी भी आर्थिक दिक्कत नहीं आती है। भगवान शिव सौभाग्यदायक हैं। जिन लोगों को दुर्भाग्य ने घेर रखा हो और जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आ रही हों, उन्हें सुख एवं सौभाग्य प्राप्ति के लिए शिव जी की साधना जरूर करना चाहिए। रोज एक नियम बना ले कि एक लोटा जल शिव जी को अर्पित करना है, या एक बेलपत्र अर्पित करना है, या एकमात्र चावल का दाना शिव जी को रोज अर्पित करना है। उसका फल क्या होगा ये आप खुद जानेंगे। ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।